हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जे एन नीट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आज हम कुछ आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। न्यू ईयर के टाइम पे पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं, हाँ, बट आपके लाइफ से रिलेटेड ज़रूर है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही जो डिस्कस करने वाले, बहुत ही शानदार चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस एम्प्लॉयज़ या फिर पेरेंट्स, किसी के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी चेंजिंग आएगी। और कॉलेज स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स तो काफ़ी इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने कैरियर को बनाने में। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने रिलेटिव से भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, ये सभी के लिए एक वीडियो जो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये आज हम कुछ अभूतपूर्व टिप्स आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो कि हम काफी फेनोमिनल टिप्स हैं हमारे लिए। जो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप अबव एवरेज बन सकते हैं, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स तो आप एवरेज बन सकते हैं, अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो आप शानदार स्टूडेंट बन सकते हैं, और अगर आप शानदार स्टूडेंट्स तो आप असाधारण स्टूडेंट बन सकते हैं। तो ये तो रही स्टूडेंट्स की बात। और जो अब ऑफिस एम्प्लॉयज है, पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने लाइफ में अगर इसे अप्लाई करते हैं तो उनकी लाइफ भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे से उनकी लाइफ चलेगी। तो जीवन में आपके काफ़ी चेंजिंग आएगा, जो कि काफ़ी अच्छे से आपकी स्मूथली लाइफ चलेगी। तो कुछ हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेसिक फैक्टर्स, लेकिन हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये क्या है फैक्टर्स? तो हम सात फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले वेकअप अर्ली, ये बहुत ही बेसिक बात है। आप तो बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप। नहीं, सबसे पहले वेकअप अर्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, क्योंकि बात वहां पे हमारी आती है जब हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर हम बात करते हैं। तो बात हमारी आती है कि हम फोकस नहीं रह पाते हैं। हम अगर स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव बात करें तो हम फोकस नहीं रह पाते हैं, बस सारी बातें फोकस की होती है। नॉर्मली अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप सारी बातें फोकस की होती है। तो हमें बस अपनी बेसिक्स को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करने आना चाहिए। अगर हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कर लेते हैं तो हम वहां पे अपनी कैरियर को बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे कैरियर वहां पे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है उस टाइम पे। बट ये मस्तिष्क को नियंत्रण करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। मस्तिष्क को नियंत्रण करना मतलब अगर आपने वो कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी लाइफ बहुत ही सही चल रही है। तो वो जो बातें हैं जो मस्तिष्क को नियंत्रण करने की है, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे करना है उसे, और वो कैसे हो सकता है वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो मस्तिष्क को नियंत्रण करने की बातें हैं, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हमें इंक्रीज करना होगा। कि ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कैसे इंक्रीज करते हैं? तो सबसे पहले तो हमने बताया कि महत्व क्या है इस वीडियो का, क्योंकि अगर हमें महत्व पता हो तो उसके बाद हमें उसे उसके कारण जान सकते हैं कि वो कैसे हम ठीक करें। तो पहले तो हमने महत्व को देख लिया, अब इसे ठीक कैसे करना है अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेकअप अर्ली वाला है, आप जल्दी उठें। बहुत लोग बोलते हैं, स्टूडेंट्स में ही बोलेंगे कि मैं तो रात को देर रात तक पढ़ता हूँ, मैं तो 3 बजे सोने ही जाता हूँ, तो मैं सुबह कैसे जल्दी उठूं? नहीं, वो आप पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि आपको दिन भर की थकान के बाद आपकी फोकस उतनी अच्छी रह नहीं जाती है रात में। अगर आपको एक साउंडलेस इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप सुबह उठकर 3-4 बजे उठ के आप लोग, उस समय भी रात ही रहती है, उस समय आप पढ़ाई करो, काफी अच्छी रहेगी। जब आप दिन भर के थके हुए हैं तो आप फिर सुबह उतना इफिशियंट वे में पढ़ नहीं सकते हैं आप। तो अगर आप सुबह उठ गए तो इसकी कुछ आपको ये बताने का एक रीजन भी है कि अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लंबे समय तक रात में जागते हैं तो उसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लंबे समय तक रात में जागते हैं तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपके स्टमक में, आपकी मेंटल फोकस आपकी बिगड़ सकती है, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बिगड़ सकती है, जो कि आप पूरे दिन फ्रेश नहीं रहेंगे उसके बाद। तो ये सुबह उठना काफी ज्यादा जरूरी है। अब जब आप सुबह उठ गए तो आप एक मॉर्निंग वॉक ले ही लीजिए। खासकर ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही प्रॉब्लम आती है, वो नहाने से थोड़ी कतराते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक लेते हैं, आप खुद भी सोचिए, अगर आप पसीने में हैं, आप अगर नॉर्मली आप नहीं नहाए हैं तो आप एक फ्रेश फीलिंग नहीं आएगी, आपको एक पॉजिटिवनेस नहीं आएगी। अगर आप नहा लेते हैं तो एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वहीं पर बिल्डअप हो जाता है, तो आप पूरे दिन काफी फ्रेश रहते हैं और काफी अच्छे से आप अपना दिन निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है,
हमारा थर्ड पॉइंट जो है कि डिवोशन सेल्फ एंड हमारा फोर्थ पॉइंट जो योगा एंड प्राणायाम, ये दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट जो है आपके, ये इतनी ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है आपके कैरियर में, आपके लाइफ में, जो आप समझ नहीं सकते। एक हमने यहाँ पे श्लोक भी लिख रखा है जो कि मैंने भगवत से उठाया है। तो ये श्लोक अगर आप देखें तो इस श्लोक का बेसिकली मीन मैं समझा देता हूँ। यू कैन नॉट डिस्कार्ड योर लोअर इमोशंस अनलेस यू डिस्कार्ड योर हायर इमोशंस। You cannot discard your lower consciousness unless you discard your higher consciousness. So basically ये कहने का मतलब है, आप अपने निचले स्तर की चीजों को तब तक नहीं कर सकते जब आप अपने उच्च सबसे हायर जो आपकी जो भी सोच है, जब आपके ड्रीम से आप उसे देखें ना, आप उसे करें ना। तो डिवोशन हेल्प्स और योगा प्राणायाम ये क्या है, तो आप भी जानते हैं, सबको ही जानते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी स्टडी लाइफ 4 years की है, 3 years, 4 years, 5 years की है। अगर आप एक प्लस टू स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना होता है आपके कैरियर के लिए, वहाँ भी आपको 2 साल की लंबी मेहनत करनी है। और अगर 2 साल की मेहनत करनी है तो ये कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। उस पीरियड ऑफ टाइम को हमें सस्टेन करने के लिए, उस पीरियड ऑफ टाइम में हमें सबसे ज्यादा आउटपुट लेने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती है। हमें हमारी मानसिक ऊर्जा को सस्टेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी कुछ चीजें होती हैं, जो कि ये डिवोशंस और योगा एंड प्राणायाम काफी हेल्प कर सकता है हमारी। तो ये मानसिक ऊर्जा को सस्टेन रखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जो मैंने ये जो 2, 3, or 4 पॉइंट्स बताया ना, ये आपके 30-45 मिनट से ज्यादा लेगा नहीं। तो आप अगर इसे करते हैं, कोई भी व्यक्ति, आप ऑफिस एम्प्लॉई हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप इसे ट्राई करें, आप स्टूडेंट, आप इसे ट्राई करें, जरूर करें। उसके बाद आपको खुद ही इसका आउटपुट दिखेगा, तो फिर वो काफी पॉजिटिव होगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, स्टडी ऑन टेबल चेयर, टेबल चेयर पे स्टडी, क्यों, ये फिर से वही फोकस से रिलेटेड बातें आ गई। फोकस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड जस्ट सिक्स्थ वन, द चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग। एटीट्यूड, लर्निंग तो चलिए हम सीख रहे हैं, हमारे अपने एटीट्यूड को बदलना होगा सीखने की एटीट्यूड जो हमने पहले रखी थी उसे हम चेंज करेंगे। अगर हम जिस नए परिस्थिति में आते हैं तो उस परिस्थिति में अपने आप को ढालेंगे हम। अगर परिस्थितियां चेंज हुई है तो हमें भी तो चेंज होना होगा। हम अगर अपने पुराने एटीट्यूड को ही मेंटेन करेंगे, हमारे पास जो पुराना एटीट्यूड है अगर हम उसे मेंटेन करेंगे, तो हम प्रकृति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, इसकी जो ऊपरी हिस्से है, ये ऊपरी वाली हिस्सी, ये तो आप 20% आपको जो दिखाई दे रही है, ये आपकी बिहेवियर होती है जो कि सबको पता होती है, और उस बिहेवियर से आप अपने नॉलेज और स्किल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोगों को पता नहीं होती है वो क्या होती है, इसके नीचे वाली भाग, ये आपकी इम्पैक्ट करती है, ये आपके बिहेवियर को यही बनाती है, आपके नीचे वाले पोर्शन जो कि आपके 90% पोर्शन है। ये क्या है, तो ये आपकी वैल्यूज है, ये आपकी स्टैंडर्ड्स है, ये आपकी जजमेंट्स है, ये आपकी मोटिव्स है, ये आपकी इथिक्स है, और ये आपकी बिलीव्स है। ये आपके एटीट्यूड को डिफाइन करती है, और ये डिफाइन जो करती है उसी को लोग देखते हैं। ये आपकी जो इम्पैक्ट करती है इसे लोग नहीं जानते हैं, इसे सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि क्या हमारी इम्पैक्ट कैसे हम करेंगे तो मेरी बिहेवियर में चेंजिंग आएगी। क्योंकि जो लोग देखने वाले हैं, बेसिकली फाइनली वो देखने वाले हैं कि आपकी बिहेवियर क्या है, और आपकी नॉलेज स्किल्स को देखेंगे, जो कि बस 10% है, 90% आपके नीचे ही है, वो आप ही सिर्फ समझ सकते हैं। तो ये एटीट्यूड आप चेंज करना होगा। तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए आपको अपनी वैल्यूज को देखनी होगी, आपको स्टैंडर्ड्स देखनी होगी, जजमेंट्स देखनी होगी, आपको अपनी मोटिव्स देखनी होगी, आपको एथिक्स देखनी होगी, आपको बिलीव्स देखनी होगी कि क्या है। तो चलिए हमारे पास जो सेवंथ पॉइंट आता है, लर्न करेक्ट एंड रिलेवेंट थिंग। काफी सही चीज है स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव, कि आप जो सीख रहे हैं क्या आप वो सही चीज सीख रहे हैं, और अगर आप सही चीज सीख रहे हैं तो क्या वो रिलेवेंट है आपके रिलेटेड। अगर आपके सही चीजें, बहुत चीज होती है सीखने को, क्या अभी आपको इस वक्त वो चीज रिलेवेंट है या नहीं। अगर वो इस वक्त रिलेवेंट नहीं है, हम उसे कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। अगर वो आपके लिए अभी रिलेवेंट है, आप बेसिकली उसके लिए जाइए, आप मोर देन वेलकम है आपके लिए। एक मैंने कोट लिख रखा है यहाँ पे, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। बिल्कुल सही बात है, आपने इसका मतलब समझ ही रखा है, मैंने इसे ट्रांसलेट नहीं करना है अभी। तो ये जो बेसिकली कहने का मतलब है, लर्न करेक्ट एंड रिलेवेंट थिंग्स। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अभी हम सब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारी कुछ सर्कल्स होती हैं। अगर हमारी सर्कल्स हमें इंस्पायर नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो आपकी सर्कल नहीं, वो आपके लिए केज है, क्योंकि अभी आपने अपनी सर्कल बनाई ही नहीं है। अगर आप अपनी सर्कल को बनाते हैं, अगर वो आपको इंस्पायर नहीं करती तो आपके लिए केज है। आप अपनी ये सर्कल ऐसे बनाइए जो आपको एवरीडे आपको इंस्पायर करे,
आपको कुछ बड़ा करने के लिए, आपको कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर करे। तो ये कुछ बातें थी जो हम देख रहे हैं, और ये हमारे कुछ 7 की फैक्टर्स थे। तो और इससे आपकी लाइफ में काफी चेंज आएगी। तो एक यहाँ पे एक और कोट हमने लिख रखा है, वी कैन ओनली सी अ शॉर्ट डिस्टेंस अहेड बट वी कैंट सी अ प्लेंटी देयर दैट नीड्स टू बी डन। हमें क्या करना है, हम बहुत ही छोटे डिस्टेंस को देख पाते हैं, बट हम ये भी देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम इन चीजों को फॉलो करें तो हम अपने फ्यूचर में देख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, जो हमारे कैरियर को बना सकता है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ऐसी हम बहुत सी चीजें देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताना था जैसे कुछ चीजें जो आपकी लाइफ को काफी चेंज कर सकती हैं, जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो सकती हैं। आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें इस बात को, आप अपने रिलेटिव्स को शेयर करें कि ये कुछ चीजें आप प्रैक्टिस करके देखें। इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। आप कभी नहीं समझ सकते आप कितने अमेजिंग हो। हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट अपने आप में एक अमेजिंग बंदा होता है, बस आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। आप अगर एक बार अपने आप को समझ गए, अपने आप को जान गए, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आपकी कैरियर बिल्कुल सही है, आपको कोई नहीं रोकने जा रहा है, आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली जेई और नीट स्टूडेंट, आप ये 7 पॉइंट्स जरूर देखें, कॉलेज स्टूडेंट्स भी 7 पॉइंट को जरूर फॉलो करें, आपकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगी और आपके लिए ये नया वर्ष काफी ज्यादा बेहद खुशनुमा और काफी आपके लिए एक सक्सेसफुल ईयर हो सकता है इस भारी पेंडेमिक के बाद। तो यहाँ पे भी एक कोट है, इफ यू कैंट फ्लाई देन रन, इफ यू कैंट रन देन वॉक, इफ यू कैंट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। आप आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इससे है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। हमें किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं करना है, अगर हम स्टॉप कर गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। सो आज की बात को बस ज्यादा लंबा ना करते हुए बस आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी, सो आपसे डिस्कस करी। आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने कमेंट्स को नीचे लिखिए, आई वुड लव टू सी देम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस, सो थैंक यू।